Which one is more reactive, aldehyde or ketone towards nucleophile? Reactivity, in which you have to find out which one is more reactive towards nucleophilic substitution reaction, aldehyde or ketone. Now first, structure of aldehyde, it means CH3 CH bond H double bond O. This is aldehyde double bond O. Okay, and ketone CH3 bond CH3. Ketone, there is ketone functional group. Now which one is more electronegative, oxygen or carbon? Oxygen. Oxygen become partial negative delta sign and carbon become positive delta sign. Clear? Same. Oxygen become, in case of ketone, oxygen become negative delta sign and carbon become positive delta sign. What about nucleophile? So nucleophile, there is negative charged. Here nucleophile, it is negatively charged. Okay. Here again nucleophile attack on ketone, which is negatively charged. तो अब बताओ न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, बोलो. कार्बन. कार्बन. तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ये कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है. सेम यहाँ पर भी आपका ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, तो कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ कार्बन पर अटैक कर रहा है. लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, क्या डिफरेंस है? तो CH3 ग्रुप एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. तो यहां से यहां इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को, बराबर. तो ऐसे यहां पे आपके पास कितने CH3 ग्रुप है, दो CH3 ग्रुप है. तो ये यहां से भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इस साइड से भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बराबर बराबर. तो चलो बोलो, दो मिथाइल ग्रुप है, दो साइड से कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और ऊपर एक ही मिथाइल ग्रुप है और कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपका यहाँ नीचे जो कीटोन में पॉजिटिव चार्ज है वो तो आपका पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस कार्बन के पास. ओके, जबकि यहाँ एक ही मिथाइल ग्रुप है. तो दो मिथाइल ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर आपका रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन को हिंडर्ड करेंगे, जल्दी न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं करने देंगे, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो पॉजिटिव चार्ज आपका उतना पॉजिटिव नहीं रहेगा, बराबर. जबकि यहाँ एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो एक ही मिथाइल ग्रुप की वजह से उतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना कीटोन में होगा, ठीक. तो अब मैं पढ़ रहा हूं एक्सप्लेनेशन, उसे समझो. सो एल्डिहाइड आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स. आ गया कि एल्डिहाइड कीटोन की तरह से ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव देन कीटोन इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ड्यू टू स्टेरिक एंड द इलेक्ट्रॉनिक रीजन, स्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्जर सब्स्टिट्यूएंट इन कीटोन हिंडर्ड द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनिल कार्बन. So the sterically the presence of two relatively large substituents in ketone hindered the approach of the nucleophiles to carbonyl carbon. तो दो बल्कि ग्रुप है CH3 CH3 ग्रुप, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं करने देगा. ओके, इलेक्ट्रिकली aldehydes आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन बिकॉज टू alkyl ग्रुप रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल मोर इफेक्टिवली देन फॉर्मर. तो यहाँ दो alkyl ग्रुप है CH3 और CH3, इसकी वजह से आपका रिएक्टिविटी जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी स्लो डाउन होगा, बराबर. तो यहाँ समझा रहे कि आपको किसकी वजह से रिएक्टिविटी कम होगा, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CH3 CH3 ग्रुप. तो जितना आपका बल्की ग्रुप, अब आपको पीछे एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा
कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लेस रिएक्टिव और अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो आपको क्या देखना है कि कहाँ बल्की ग्रुप ज्यादा है, जहां सी एस सी ग्रुप ज्यादा है वो लेस रिएक्टिव होगा और जहां सी एस सी ग्रुप कम होगा वो ज्यादा रिएक्टिव। ऐसा क्यों? अभी आपने समझ लिया कि जितना सी एस सी ग्रुप अटैच होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और डोनेटिंग की वजह से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि वो भी नेगेटिव चार्ज है और वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेट होगा तो वो भी नेगेटिव चार्ज, तो ताकि यहाँ रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे होगा, अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो फिलहाल हमने समझ लिया कि एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ओके,